सिक्किम तिब्बत भूटान की सीमा को लेकर चीन और भारत के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। चीन ने भारत से अपने सैनिक पीछे हटाने को कहा है। चीन के चेतावनी के बावजूद सिक्किम तिब्बत भूटान तिराहे के नजदीक भारतीय सैनिक रणनीतिक जमीन की सुरक्षा के लिए खुदाई कर रहे हैं। वहीं भारत का कहना है कि इस बार वह किसी भी दबाव से पीछे नहीं हटेंगे। जिस इलाके में भारतीय सैनिक खुदाई कर रहे हैं वह इलाका एक हाइड्रल प्रोजेक्ट से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट झालोंग की जलढाका नदी पर स्थित है, जो कि भूटान की सीमा से ज़्यादा दूर नहीं है। जलढाका तोरची नदी के साथ ब्रह्मपुत्र में गिरती है। भूटान के डोकलाम के पहाड़ी इलाके में होते हुए इस भूभाग पर चीन की सड़क बनाने की योजना है। अगर वह इसमें कामयाब हो जाता है तो इससे इस इलाके पर संकट आ सकता है। वहीं अगर चीन विवादित इलाके को कब्जाने में कामयाब होता है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर और खुद सिलीगुड़ी अति संवेदनशील हो जाएंगे। इससे चीनी सैनिक पूरी तरह भारतीय इलाके में घुस आएंगे। असम की तरफ से जाने वाली सड़क भी इलाके की सक्रिय रेखा से गुजरती है। यह पश्चिम बंगाल को उत्तर पूर्व से जोड़ती है। इस पर आने वाला कोई भी खतरा बागडोगरा से गुवाहाटी तक के इलाके में सतही संपर्क को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि चीन के इस कदम का मकसद भारत जानता है। लिहाजा यह साफ है कि सड़क परियोजना के जरिए और अपने सैनिकों को आज्ञा के बिना असामान्य प्रवेश करा रहा वह भारत की मोर्चाबंदी और प्रतिक्रिया का टेस्ट लेना चाहता है। ग्राउंड पोजिशन पर पुनर्निर्माण करने का मकसद इलाके पर निर्णायक पकड़ बनाना था और भारत और चीन की अनिश्चित सीमा को कब्जे में लेना था। दोनों देशों की तरफ से चल रही बयानबाजी में यह स्पष्ट है कि दोनों ही किसी की भी सूरत में पीछे नहीं हटना चाहते। और भी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।